पटना में जुम्मे के अलविदा नमाज के बाद अतीत अशरफ और अमर रहे मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। बता दें कि पटना के स्टेशन स्थित मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद अतीक अशरफ जिंदाबाद के नारे लगाने वाले शख्स ने कहा कि अतीक अशरफ ने शहादत दी है, वे शहीद हुए हैं। वहीं यूपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उस शख्स ने कहा कि यूपी सरकार गुंडों माफियाओं से मिलकर एक रणनीति के तहत अतीक अशरफ को सरेआम गोली मरवाया है। वहीं इस दौरान मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पर पटना के धरती पर यूपी के डॉन ब्रदर को बिहार में शहादत बताना और उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाना कहीं ना कहीं यह सोचने पर मजबूर ज़रूर कर देता है कि आखिर यूपी का वह डॉन ब्रदर का बिहार में कितना रसूख है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। आज हमने यही दुआ किया अल्लाह से, अतीक अहमद, असाफ अहमद और असद अहमद की शहादत को कबूल फरमा। उन्हें मारा गया पूरी तरह से प्लांड वे में मारा गया, योगी सरकार ने उनको प्लांड वे में मरवाया, इसमें कोर्ट मिट गया, सरकार पुलिस सबका हाथ उसको मरवा लो। उनकी शहादत हुई है क्या? बिल्कुल शहीद अतीक अहमद अमर रहा है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में, उसको अपराधियों के जरिए सरकार पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। आपका नाम, पूरा नाम क्या लिखते सर? मेरा नाम रईस गजनवी है। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि उन्होंने भी बहुत गलत काम किए हैं, इसलिए उन्हें गलत काम किया है तो कोर्ट है, कोर्ट भी जिम्मेवार है, कोर्ट ने रिमांड दिया था, पुलिस ने कोर्ट में लिख के दिया था, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी लिया था, कोर्ट भी जिम्मेवार है, उनको सजा होता फांसी पर चढ़ा दिया जाता, हम लोग कुछ नहीं बोलते। लेकिन जिस ढंग से उनकी देखिए, अब नारे लगे क्या लगे नहीं लगे, मैंने भी वीडियो देखा और मुझे मेरे संज्ञान में आया, कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल किया कि भाई ऐसी सी वीडियो आ रही है। देखिए, एक आदमी के बिना पे ऐसा कोई मामला नहीं करना चाहिए, और मीडिया को भी हम कहते हैं आप खामा का उसको हीरो बना रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है उसको कैमरा और माइक देने की। आप ऐसे लोगों को माइक दे जो जिनके पास सद्बुद्धि हो। मैं मस्जिद कमेटी का अध्यक्ष हूं, मेरा नाम फैसल इमाम है, मैं सरासर इस बात को दरकिनार करता हूं। मस्जिद कमेटी की तरफ से ना जो है मस्जिद तरफ से ऐसे कोई मामले आए हैं, हम लोग ऐसी बातों को जो बिल्कुल समर्थन नहीं करते और उम्मीद करते हैं इस आदमी में ऊपर वाला सद्बुद्धि दे ताकि ऐसी बात वो ना करे आइंदा। देखिए भैया, सर जी ऐसा है, हम एक आदमी की बात को लेकर नहीं चलेंगे। हमने क्या बोला अभी आपको, मैंने कई लोग, आप वीडियो देख लीजिए, अकेला वो जिंदाबाद कर रहा है, पीछे कोई आदमी जिंदाबाद नहीं कर रहा, हमने खुद वीडियो देखा अभी और इसको संज्ञान में लिया। एक आदमी अकेला अगर चना भाड़ रहा है, ढोल बजा रहा है, बजाने दें, हीरो आप बना रहे हैं उसको, कोई तरह का आदमी नहीं है वो। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल दरकिनार करते हैं, ऐसे आदमी को ना समर्थन करते हैं ना ऐसे बयानों पे हम लोग जो है वो किसी मामले को जो है लेते हैं। हम देखिए मैडम, ऐसा है अतीक आदमी का मामला यूपी का है, यूपी की सरकार समझे, यूपी के लोग समझे, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जिनका लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन है, उससे अच्छा मुख्यमंत्री हमें पूरे हिंदुस्तान में हमको नहीं मिलेगा। बस इतने ही मिल गया ना, धन्यवाद।